सब्सक्राइब करन्तु बिपिन बिहारी सामल चैनल को, प्रेस करन्तु पाखरे थिबा बेल आइकन को, जहाँ फलरे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ठाकुरे मोर कहिले भक्ति विरुद्ध प्रक्रिया समूळे त्याग करिबु। जो कथा शुणिले व्यक्तिर मन चंचल हेब, विचलित होइजिबो, विश्वेश्वरंक पाखरु मन हटि जाई विषया पई अनियंत्रित होइजिबो। धार्मिक व्यक्ति मुहरे से भाषा केबे शोभा पाए ना। सेपरि कथा जेउ माने कहंती तांको पाखरे रहिबनि, पाख छाडी पळेइबो। तांको पाखरे रहिले तुमर कोनोसी लाभ हेब नाही, समय नष्ट करिबो नाही। सजन वृंद, से कथा शुणिले तुमर लाभ किछि हेब नाही, बरं क्षति हेब प्रचुर। जिए परि कथा कहे ता मन भितरे सेई भावटा स्थितिवान होइथाय, सेई चिंतारे से सबुबेले बुड़ी रहिछि बोली सेई भली कथा कहुछि। तुंडरु आपे आपे सेपरि कथा बाहरी आसुछि। सेपरि कथा कहिबा पई शुणेबा पई लोक पाहु नांति, तेनु जौठि लोक पांति तांको भितरे सेई गपिबा आरंभ होई जाय। तांको अंतर भितरे थिबा सेई कथा गुडी को सिए बाहरी आसे कहि पकान। एमाने गोटिए गोटिए भाइरस आध्यात्मिक जगतर भक्ति भाव को ह्रास करेबार चेष्टा रे से माने चेष्टित देखिबो। बेले बेले सत्संग रे प्रवक्ता प्रवचन दउथिबे, किछि लोक सत्संग रे सामिल न होई सत्संग को आसीथिबे, किंतु आउ गोटे जागा रे एकाठी बसिकिरे गुल्ली गप करूथिबे, गोल टेबुल बैठक करथिबे, मझिरे बसिकिरे जने गपुथिबे, ता चारिपटे किछि लोक बसिथिबे। ठाकुर कोन कहिले? ठाकुर कहिले सत्संगे बस निश्चल ध्यान द्वादश शब्द शुभीव कर्णे। ठाकुरंकर वाणी को अग्राह्य करी निजे पुण्य प्राप्ति रु वंचित हुंती, आउ केतेक को सांग करी तांको भी पुण्य प्राप्ति रु वंचित करंती। एपरि तुच्छा कथा रे माती रहंती से माने। आउ किछ लोक राति सारा गपुथिबे, उचित समय रे सोई पारु नांती, उचित समय रे निद्रा रु उठि पारु नांती। जदि पचारिबो एते गपुच काहिं के, उत्तर देबे आमे परा ठाकुरंक विषय रे कथा हौचु। आमे ठाकुरंक विषय रे कथा हौचु, सबुबेले ठाकुरंक विषय रे आलोचना करिबा त भल कथा निश्चय। हेले राति अनिद्रा हई ब्राह्म मुहूर्त रे कर्मधारा पालन न करिबा त भल कथा नुहे। ठाकुर विषय गपिबाटा भल कथा, किंतु ठीक समय रे धारण करिबाटा सेरा भल कथा कि नै? भल कथा नुहे। जदि अनिद्रा हई ठाकुर संपर्क रे आलोचना करुछ ठीक अछि, हेले सेई अनिद्रा रे थाई कर्मधारा शेष कर दियो ब्राह्म मुहूर्त रे। ठाकुर त्रयोदश संख्या चरम कल्याण दलित कहिले, जेते बाधा विघ्न आसिले भी श्री गुरुदान करिथिबा साधन प्रणाली धारा निर्धारित समय रे पालन करिबो। जे तम सहित गपुचि राति अनिद्रा तुमको करौचि, सिए तुमको गुरुधर्मरु विच्युत करुचि कि नाही, दूरेइ नौचि कि नाही? तृतीय संख्या चरमर कैवल्य कणिकारे ठाकुर एकता भी कहिले, काहारी कथारे पड़ी काहाको संतुष्ट करिबा पाई गुरु आज्ञा पालन रु ओहरि जाओ नाही। सावधान, जे व्यक्तिगत स्वार्थ पाई तुमको इष्ट पथर दूर को टाणी उटारी नबाकू चाहूचे, से कदापि तुमर मंगलाकांक्षी होइ न पार, ताठारु दूरे रुह, ता संग सुख त्याग कर, ईश्वर उपलब्धि हेब। तबे ठाकुरे ब्राह्म मुहूर्त रे कर्मधारा पालन करिया पई निर्देश करिसेंदी। अच्छा अजथा अनिद्रा हई तांको गप गपिया पई निर्देश देइसेंदी कि देइनांदी? आ तमे कहजो ठाकुर विषय रे गपुचु, ठाकुर निर्देश को आज्ञा को अवज्ञा करी तांको विषय रे गपिबार माने कोन मते कहूनांदी? ठाकुर कथा हेबा उचित कर्म, हेले जथा समय रे जथा कर्म। जिए तार खियाली मनोभाव को नहीं चरितार्थ करिया पई चाहुचि तुमको साथी करिजि, ता मन होउचि गपिबा को तुमे तांकर सांग हेइछ, से संग को त्याग कर भाई भौनी माने, ताको सहयोग कर नहीं, ताको भी सिखै दियो तुमे जल्दी सोई पड़ो, ब्राह्म मुहूर्त रे उठिकि धारा करिबो, कर्म धारा पालन करिबो। ठाकुर द्वितीय संख्या चरमर कल्याण देलि तते सम्बरे कहिले, कले पथबणा हेबु नहीं, सबुरी भितरे थिबु कहारी भितरे नथिबु मुहूर्त नष्ट करिबु नाही। तबे मानेटा कोन हैला? सबुरी भितरे थिबु माने समस्त को भल पाइबु स्नेह करिबु, तांतर भितरे तते जे सी सी जेमिंदी बसेई पारिबु तु ताको भल पाइबु, किंतु कहारी भितरे नथिबु माने असंगति कार्य रे तु ताको सहयोग करिबु नाही। आहा, कले सबुरी भितरे थिबु कहारी भितरे नथिबु, जदि ता सहित मिसिकरी ता सहित गपिकरी तो बीजमंत्र को भूली गलु तबे मुहूर्त नष्ट हो गला। ठाकुर मोर कहिले बहु भाव तरंग रे जीव माने खेलुछन्ति, सबु तोरी आनंद सबुरी भितरे थिबु माने कहा प्रति राग द्वेष प्रकट करिवु नाही, विरक्ति भाव आनिबु नाही, भातृ स्नेह रु काहाको वंचित करिवु नाही, भातृत्व रक्षा करिवु। पुणी कहिले कहारी भितरे नथिबु, मदुआ को घृणा करिवु नाही, हेले ताकु मद छड़ेबा को जाई ता सहित मिसिकरी मद पीबु नाही, ता भितरे तू पसी गलु, बुझी पारलु ना? कहारी भितरे नथिबु, चोर को घृणा करिवु नाही कि ता सहित मिसिकी चांदिनी रात्रि चोरी करिया को जीवु नाही,
जो भाई अनिद्रा होई गोपीबा कहते हाथ जोड़ी अंतर कथा जनई दियो मु आपणक सहित गोपिले काली सका उठी निद भांगी ना मोर कर्मधारा बाधा प्राप्त हो तेणु क्षमा करंतु मु आपणक सहित गोपी पारिबि नाही। ठाकुर कहले सरल हबु दृढ़ रहिबु बोका हबु नाही। तबे गुरुवाद को अवहेला करी व्यक्तिवाद रे पड़ा हूँ बोकामी मूर्खामी से मुहूर्त नष्ट हो जाऊँ। जीवन प्रत्येक मुहूर्त गुरुत्वपूर्ण सजन वृंद ताको साधना रे विनियोग करिबा दरकार। अजथारे कहा सहित गपिले मुहूर्त साधना बाधा प्राप्त हो गला जीवन क्षणस्थायी तेणु अजथारे समय नष्ट करिबा केबे भी उचित नुहे। एपर्यंत आम जो कथार आलोचना कले ए कथाटा कौन ना कथा कहिबार ढंग केमिति होबा उचित से संपर्क में जो आलोचना जारी रखिंट आम एटे तुच्छा भाषा कौन बोली आम आलोचना कले तुच्छा भाषा टा कौन अदरकारी मूल्यहीन कथाटा कौन मूल्यहीन कथा केवे श्रेष्ठ जीव कह उचित नुहे। ये आलोचना वर्तमान सुधा आम चलला एवं आलोचना कौन करवा कलंक जड़ित कथा कौन। ठाकुर कहले तो भाषा जपरी तुच्छा बा कलंक जड़ित न हुए रे चरम तेरे तुच्छा भाषा है मूल्यहीन अदरकारी जो मूल्य किसी ना रेजल्ट किसी ना एवं आलोचना करवा कलंक जड़ित कथा कौन जड़े धर्मपरायण मनीष पक्षे तुच्छा कथा अदरकारी कथा मूल्यहीन कथा कहवा अनुचित पुणी कलंक जड़ित कथा कह उचित नुहे। तेरे कलंक जड़ित कथा कौन निज स्वार्थ पाई अजथा मिथ्या कहवा हूँ कलंक जड़ित कथा सजन वृंद मन में कपट रखी कथा कहवा हूँ कलंक जड़ित कथा अन्य को ठकी निजर स्वार्थ पूरण करिबा उद्देश्य छलना भरा कथा कहिबा हुची कलंक जड़ित कथा। ईश्वर मनीष मुहरे भाषा देइचंती सजन वृंद अन्य को कथा कही आनंद दबा पा मो ठाकुर कहिले को उद्देश्य तू मानव तनु रे लीला भियाइछु ताहा कोन तोर मन अछि रे धन तू निजे जेपरि आनंद हे आसीछु तू अन्य को सेमिति आनंद दबु तेणु आम कथा रे कलंक लागि रहिबा उचित नुहे। आम आनंद दबापाई कथा कहिबा तबे आनंद केवल परमानंद कथा कथा कही क्या विषाद देवा कलंक जड़ित भाषा बाकचातुरी द्वारा अन्य को काउंटर करिबा आक्षेप करिबा हूँ कलंक जड़ित भाषा। ठाकुर सप्तम संख्या चरमर कैबल्य कणिकारे कहिले आध्यात्मिक क्षेत्र में शब्द और भाषार माधुर्य रहा उचित कहारी को आक्षेप कर मनरे कष्ट देवा उचित नुह। तबे मनीष जीवन निर्वाह करने अनेक क्षेत्र कर्म करने को पड़ू सजन वृंद अनेक क्षेत्र किए बेपार करने मार्केट को जाऊँ किए शिक्षकता करने स्कूल को जाऊँ किए क्लरिकाल पोस्ट अच्छे सेक्रेटेरिएट को जाऊँ विराट प्लाटफर्म तेना मनीष बचापी कर्मसंस्थान से अनेक क्षेत्र को जाऊँ जोग देवाई अनेक क्षेत्र अनेक प्रकार लोकों संस्पर्श से आसवा को पड़ू प्रतिदिन सब क्षेत्र में आचरण उच्चारण व्यवहार पर भिन्न भिन्न अवलंबन सब अच्छे आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में शब्द भाषार माधुर्य रहा उचित बोली ठाकुर कहते आध्यात्मिक क्षेत्र को मनीष आसे चरित्र गठन करने साधारण सामाजिक अनुष्ठान नुहे आध्यात्मिक अनुष्ठान ये चरित्र गठन करने जीव आसे अशालीनता को त्याग कर शालीनता आहरण करने जगह को से आसे नकारात्मक भाव भाषा को विसर्जन कर सकारात्मक भाव भाषा को आवाहन करने से आसे गुरुदरबार तेणु आध्यात्मिक क्षेत्र में भाषा शब्द माधुर्य रहा उचित बोली ठाकुर कहिले तबे भाषार मधुरतार सौंदर्य परिपूर्ण होगा माधुर्य तेणु परम शास्त्र भागवत कौन कहिले मधुर विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन श्री गुरु सत्य सनातन चैतन्य दाता परम ब्रह्म भक्त वत्सल चरमनाथ की कले मधुर विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन भागवत हूँ भगवान बतईवा कथा भगवान कर प्रत्यक्ष उत्पत्ति है भागवत भगवान आम शरीर को निर्माण कर सजन वृंद मनीष तुंड भाषा देले जी धन दे धन को खर्च कर उपाय बतईदेक बत्ता पूरा देवता जी दे तार बतईबार अधिकार अच्छे तेणु भगवान जो आम तुंड शब्द भाषा अक्षर को सृष्टि कर देले दियाधन कौ भाई तुम्हें खर्च कर केमी प्रयोग कर सी बतईदेले आ कौन बतईले कहे मधुर विनय वचन कही तो शिव प्राणी यहाँ धर्मानुमोदित भाषा कहार ढंग
शास्त्रानुमोदित भाषा कहिबार निर्देश उपदेश कहले मधुर अभिनय वचन कही तो शिव प्राणी बुझी पार ना आ देकर बत्ता देवता से मुहरे भाषा देले पुणी बतेले केमिति तू कथा कहबू कहले अरे मनीष तो मुहरे मु जो भाषा देची से भाषा को मधुरतार सह प्रकाश करिबू कोंलिया कथा कहिबू कोमल कथा कहिबू पुणी कोमल कथा कहिबा संगे संगे से विनय स्वभाव थिबा दरकार स्वभाव विनय नहले भाषा कठोर हो विनय स्वभाव मधुर वचन उभय परिपूरक तत्व सजन वृंद मधुर विनय वचन कही अन्य मन को संतोष कर संतुष्ट कर कथा कही का मन में आघात देवुना ताकू असंतुष्ट करूना अन्य को आक्षेप करवा हूँ कलंक जड़ित कथा कारण भगवान से मना कर भगवान जोटा बारण करवाकूटा कलंक जड़ित कथा धर्म ग्लानि घटिले भगवान धरापृष्ठ को अवतार ग्रहण कर आसती धर्म संस्थापन करती तेणु जी भगवान भक्त सी भगवान आदर्श रक्षा करवा उचित आरे सी जदि धर्म संस्थापन करने को आसती ग्लानि लगिले कलंक लगिले धर्म तेब मो मुह कथा कहटा गोटे धर्म कर्म तेरे मो मुह कलंक जड़ित कथा केमी कह ग्लानिजुक्त कथा केमी कह अन्य मन में ग्लानि केमी देवी तेणु जी भक्त सी भगवान का आदर्श रक्षा करी कथा कहवा उचित भक्त कथा कही अन्यर अंतरू ग्लानि को हरण करवा भली कथा कह सी ग्लानि देला भली ग्लानि जुक्त कला भली कथा कहना कथा कही अन्यर दुख हरण करवा मनीषर परम कर्तव्य कथा कही दुख देवा हूँ महापाप ब्रह्मद्रोह भगवान कहिले मधुर विनय वचन कही अन्यर मन को तोष करिबु रे धन भगवान कठोर कथा कही अन्य मन में आघात देवाई कही ना सजन वृंद सेपरी कहवाक बारण कर तेणु अन्य को आक्षेप करी कथा कही अन्य मन में कष्ट पहुँचाइवा हूँ कलंक जड़ित कथा मत जन गुरु भाई कहले आपण तेबे तो बड़ अपराधी मुझे कहीं कहीं अपराधी हे कहले आउ आपण जेतले प्रवचन दउचंदी अनेक लोकन को आक्षेप हेला भली लागुची सेमानक मुंड खराब हे जाउची आपण प्रवचन मंडप रे बसी अनेकन को मनरे तमाने कष्ट दउ नाहंती भाई जनक चरम को ठीक रे बुझी नाहंती बोली एपरी कहिले सजन वृंद सब्सक्राइब करंतु बिपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जाफळरे प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।